बाहुबली 2 को हॉलीवुड में भी प्राप्त हुआ गौरव। देश के बाद अब बारी थी विदेश की। बाहुबली 2 यूएस में बन गई है थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म और इसी के साथ बाहुबली 2 को यूके में भी तगड़ा रिस्पांस मिला। बाहुबली के सक्सेस को लंदन में सेलिब्रेट करने पहुंची बाहुबली की टीम को बीबीसी न्यूज ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। एसएस राजामौली और अनुष्का शेट्टी बीबीसी न्यूज के साथ इंटरव्यू देते दिखे। यहाँ इस ब्रिटिश चैनल ने बाहुबली को एक विजुअल एक्स्ट्रावेगेंजा का करार दिया। सिर्फ यही नहीं, गार्डियन माइक मैकहिल से इस फिल्म के क्रिटिक ने कहा कि इस फिल्म से इंडिया ने भी अपनी काबिलियत साबित कर दी। वेल, हर जगह से राजामौली सिर्फ तारीफें बटोर रहा है, चाहे देश हो या विदेश। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है, हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। सिनेमा जगत से एक बड़ी खबर आ रही है कि बाहुबली 2 ने इतिहास रच दिया है। साउथ की इस फिल्म ने बॉलीवुड को एक ऐसा टारगेट दे दिया है कि बॉलीवुड के पसीने छूट जाएंगे। प्रभास की दमदार एक्टिंग और राजामौली का बेहतरीन डायरेक्शन के चलते इस फिल्म ने महज 8 दिन में कमाई का पहाड़ खड़ा कर दिया है। बाहुबली 2 ने रचा इतिहास, खड़ा किया कमाई का पहाड़। जी हाँ, बाहुबली 2 ने वर्ल्ड वाइड 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, वो भी सिर्फ 8 दिन में। बाहुबली 2 ने सिनेमा जगत की हिस्ट्री बदल दी है। वैसे भी ये तो होना ही था, इतने शानदार ग्राफिक्स और इतना बेहतरीन डायरेक्शन आपने शायद ही बॉलीवुड की किसी मूवी में देखा हो। भारत की बात करें तो बाहुबली 2 ने 600 करोड़ की कमाई कर ली है। अगर ये कहा जाए कि फिल्म देखने की वजह इस फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस था तो ये गलत होगा, क्योंकि इस फिल्म का हर सीन बेहतरीन ढंग से फिल्माया गया है। लोगों की उम्मीदें बॉलीवुड से काफी बढ़ गई है, अब 200 या 300 करोड़ से। बाहुबली के बवंडर से पूरा बॉलीवुड थर थर कर रहा है। हर बीतते दिन के साथ बाहुबली बॉक्स ऑफिस पर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना रही है जिसे छू पाना अपकमिंग फिल्म्स के लिए काफी मुश्किल लग रहा है। बाहुबली को सबसे बड़ी टक्कर देने का सबसे बड़ा दारोमदार अगर किसी पर है तो वो है सलमान खान। सलमान खान की ट्यूबलाइट ईद पर रिलीज होने को तैयार है। बजरंगी भाईजान के बाद ट्यूबलाइट सलमान की दूसरी बड़ी फिल्म है जिसे कबीर खान डायरेक्ट कर रहे हैं। अब ट्यूबलाइट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इस बात का होगा कि बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली के रिकॉर्ड को या तो तोड़े या फिर उसके आसपास पहुंचे। दोनों फिल्मों को इस कदर कंपेयर किए जाने की एक वजह भी है, सलमान खान बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में से एक हैं। ट्यूबलाइट फिल्म का कैनवस काफी बड़ा है और कबीर खान ने इस बार ये फिल्म इंटरनेशनल एक्ट्रेस जूजू को लेकर बनाई है। फिल्म में सलमान खान के अलावा काफी चाइनीज एक्टर्स भी हैं। यानी ये फिल्म एक तरह से कबीर खान और सलमान खान का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। जाहिर है अगर प्रोजेक्ट इंटरनेशनल है तो उम्मीदें भी ज्यादा होंगी और सलमान की ट्यूबलाइट पर तो उम्मीदों का बोझ बाहुबली से भी भारी है। बाहुबली ने बॉक्स ऑफिस पर महज 5 दिन में 710 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इस बात की पूरी उम्मीद है कि अगले 3 से 4 दिन में बाहुबली 1,000 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। आज तक बॉलीवुड की कोई भी फिल्म 1,000 करोड़ के क्लब में शामिल नहीं हुई है। सलमान, शाहरुख, आमिर और अक्षय तक की फिल्मों का लाइफ टाइम कारोबार 450 करोड़ से लेकर 550 करोड़ तक का ही रहा है। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आप सबका स्वागत है। आमिर खान का कॉन्फिडेंस कभी कभी उन पर ही भारी पड़ जाता है। हाल ही में आमिर खान को बाहुबली 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया गया और उन्होंने इसे मजाक समझ लिया। बाहुबली 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगातार बॉलीवुड स्टार्स के होश उड़ाता जा रहा है। वहीं इन सब के बीच जब आमिर खान को एक के बाद एक बाहुबली के कलेक्शन के बारे में पता चला तो उन्होंने इस बात को माना ही नहीं। आमिर को लगा कि लोग मजाक कर रहे हैं। ऐसे में जब वाकई उन्होंने फिल्म का कलेक्शन देखा तो उनके होश ही उड़ गए। बस इसी के बाद आमिर का चीन में दंगल प्लान शुरू हो चुका था। बाहुबली 2 अब एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर चंद दिनों में ही 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। बस जल्द ही फिल्म 1000 करोड़ की शुरुआत करने वाली है। बॉलीवुड के बाहुबली, बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने बॉक्स ऑफिस के सारे समीकरण बदल कर रख दिए। बाहुबली की पहले दिन 2 दिन की कमाई का आंकड़ा बॉलीवुड के बेस्ट रिकॉर्ड से भी बेहतर है।
इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री होने का दावा करने वाला बॉलीवुड अब भी सेक्स, सलमान और आइटम डांस की भूल भुलैया में अटक रहा है, जबकि साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने बाहुबली जैसे फिल्म बनाकर एक ऐसा माइलस्टोन कायम कर दिया है जहां तक तो फिलहाल बॉलीवुड अपनी कल्पना के सहारे ही पहुंच सकता है। बहरहाल बाहुबली जिस तरह पैसों की बरसात कर रहा है उससे बॉलीवुड के मन में ये तमन्ना तो जरूर जग रही होगी कि यहाँ भी बाहुबली जैसे फिल्म बने। वैसे तो इस बारे में बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स फिलहाल केवल सोच ही सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने वाकई इस सोच को अमल में लाने का फैसला किया तो बॉलीवुड के बाहुबली की स्टार कास्ट क्या होगी, आइए डालते हैं एक नजर। सलमान खान। सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हैं। जाहिर है फिल्म मेकर्स की पहली पसंद सलमान ही होंगे। डील डॉल से सलमान भले ही पर्दे पर अमरेंद्र बाहुबली जैसे दिखें, लेकिन जैसे ही डायलॉग बोलने के लिए मुंह खोलेंगे वैसे ही उनका सारा जादू उतर जाएगा। प्रभास द्वारा निभाए गए इस किरदार के लिए बॉलीवुड के पास और भी ऑप्शन हैं, जिनमें सबसे तगड़े दावेदार हो सकते हैं ऋतिक रोशन। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर ऋतिक रोशन बाहुबली के गेटअप में आए तो बॉलीवुड के बाहुबली कम और हॉलीवुड के बाहुबली ज्यादा लगेंगे, एकदम ग्रीक गॉड वाला बाहुबली। लेकिन बंदे में दम तो है, इसलिए इनके सामने कटप्पा के रूप में कंगना को लाना पड़ेगा, तभी जोड़ी जमेगी। ऋतिक पौराणिक और पीरियड किरदार बड़े शानदार ढंग से निभाते हैं। एक तरफ जहां उन्होंने जोधा अकबर में कमाल किया, वहीं मोहनजोदाड़ो कैसी भी फिल्म रही हो लेकिन ऋतिक रोशन फिल्म में ठीक ठाक लगे थे। वैसे भी उनकी फैन फॉलोइंग शानदार है, ऐसे में बाहुबली के किरदार में ऋतिक रोशन जान डाल देते। सनी पाजी अगर बाहुबली बनते तो 2.5 किलो के हाथ से ही कटप्पा को निपटा देते। भाई बॉलीवुड की फिल्म है तो बाहुबली डांस करेगा ही, और पाजी अगर बाहुबली बनकर डांस करने लगे तो सारे किरदार उनके कुचल जाएंगे। कल्पना कीजिए अगर आमिर खान बाहुबली बने तो कैसे दिखेंगे। छोटी हाइट वाला ये बाहुबली तो इस फिल्म के हाथी से भी आधा नजर आएगा। वैसे रणवीर कपूर अगर बाहुबली बने तो लड़ाई से ज्यादा रोमांस में बिजी हो जाएंगे। वैसे रणवीर सिंह को भी आजमा सकते हैं, बाजीराव के रूप में उन्होंने अपना दम खम दिखाया था। बयानवीर कंगना महिलाओं की तरफ से बाहुबली की दावेदार हो सकती हैं। बॉलीवुड का क्या भरोसा, क्या पता यहाँ बॉलीवुड का लेडीज वर्जन बनाना शुरू हो जाए तो कंगना से बेहतर और कौन होगा। कटप्पा। फिल्म का सबसे अहम किरदार जिस पर पूरे देश की नजरें हैं, कटप्पा। आखिर उसने बाहुबली को क्यों मारा ये नसीरुद्दीन शाह बड़े अच्छे से समझा देंगे। वैसे नाना पाटेकर भी इसके लिए सही चॉइस हो सकते हैं, लेकिन नाना ने बाहुबली को क्यों मारा इसके लिए फिल्म की पूरी सीरीज बनानी पड़ेगी, क्योंकि नाना कब किसको मार दें और वो भी बिना रीजन के ये बताना मुश्किल है। श्रद्धा कपूर तमन्ना भाटिया की अवंतिका किरदार बखूबी निभा लेंगी। देवसेना के किरदार में सोनाक्षी सिन्हा परफेक्ट लगेंगी, क्योंकि पहला तो वो ऋतिक रोशन के साथ रोमांस करती हुई सूट कर जाएंगी और फिर उम्र बढ़ने के किरदार में भी वो बखूबी जमेंगी। शिवागामी। शिवागामी के किरदार में विद्या बालन बेहतरीन लगेगी। वैसे अगर ये किरदार नहीं निभाती हैं तो ऑप्शन में हमारे पास हैं तबू। भल्ला देव। बहुत ढूंढा तो फिर मिले सिद्धार्थ मल्होत्रा। उनका एंग्री अवतार ब्रदर्स में दिखा और नेगेटिव अवतार एक विलन में, ऐसे में सिद्धार्थ भल्ला देव के नेगेटिव किरदार में बखूबी जमेंगे। वैसे इस रोल के लिए रणवीर सिंह भी काफी अच्छे लगेंगे। बिज्जल देव। बिज्जल देव की भूमिका निभा सकते हैं अनुपम खेर। उनमें नेगेटिव, पॉजिटिव और ग्रे हर तरह का शेड दिखाई दे जाएगा। और असुरों के राजा कालिके की भूमिका में नवाजुद्दीन बेहतरीन लगेंगे। अगर आपको भी बाहुबली की कास्ट के कुछ आइडियाज हों तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में